ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 27 सितंबर 2022 की। कल की मुरली में बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हो पढ़ाई पढ़नी है, और आज बाबा ने कहा कि कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर पढ़ाई छोड़ी तो माया अजगर के पेट में चले जाएंगे, अर्थात ज्ञान सुनते हुए समझ होते हुए भी ज्ञान से संपूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। फिर कहा बच्चे कभी भी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, अर्थात कई बार किसी की सुनी सुनाई व्यर्थ बातों में चले जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ने से पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। और बाबा ने कहा कि कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, क्योंकि सभी आत्माएँ पुरुषार्थी हैं, सब में कोई न कोई कमी भी है और विशेषताएं भी हैं। बाबा कहे कई बच्चे तो बाबा की राय में भी कभी कभी टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। बाबा बहुत समझाते हैं बच्चे सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है। इसलिए कहा कि बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेंगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। फिर स्मृति दिलाते हुए कहा कि बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले बच्चे, हे गदाधारी बच्चे, यह सब बाप ही समझाते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य। फिर याद में रहने के लिए कहा बाप कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो, और टाइम तो सारे दिन में मिलता नहीं, रात को वायुमंडल खराब रहता है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एक बाबा को याद करना है। फिर एग्जाम्पल दिया कि बाबा भी 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे। फिर सर्विस के लिए कहा कि सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है, और अति मीठा भी बनना है। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। आज बाबा ने प्रश्न पूछा यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार खबरदार करना पड़ता है। उत्तर में बाबा ने कहा यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं, यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है, पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी सावधानी बाबा ने कहा अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानी मत करना, माया बड़ी चंचल है, अगर बाबा से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मूंड लेंगी, अर्थात यथार्थ क्या है सत्य क्या है वह समझ नहीं पाएंगे, ग्रहचारी बैठ जाएंगी, इसलिए श्रीमत लेते रहना, बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। आज मुरली में गीत बजा मरना तेरी गली जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला है बाबा ने कहा अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है, कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है माला का दाना बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है, अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया स्वमान में स्थित रहे हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव, स्वमान में स्थित रहे हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्पष्टीकरण है जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, एक हद की इच्छा अनेक हद की इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है, इसलिए स्वमानधारी बनो,
तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाले ही रियल गोल्ड हैं। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।